Morning everyone, welcome to Pioneer Convent School. Today we will read a very beautiful story. The name of the story is Honesty. This is your chapter number 5 in your English book. So first we will discuss about honesty. What is the meaning of honesty? Honesty means to be honest. Imandar hona, imandari. See, आप सब अभी बहुत छोटे किड्स हैं, तो आपसे कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक्स हो जाती होगी, तो उस मिस्टेक को एक्सेप्ट करना इज़ कॉल्ड ऑनेस्टी. मीन्स वी शुड बी ब्रेव इनफ टू एक्सेप्ट आर मिस्टेक्स एंड वी शुड बी ऑनेस्ट इन एक्सेप्टिंग आर मिस्टेक्स, कि हम अपने मिस्टेक को एक्सेप्ट करें ऑनेस्टली, ब्रेवली, और फिर उसको इम्प्रूव करें. हम झूठ नहीं बोलें मिस्टेक होने के बाद. ह्यूमन बींग्स से मिस्टेक्स हो जाती हैं, हमें उन मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करना चाहिए और इम्प्रूव करना चाहिए. दिस इज़ द ऑल अबाउट द स्टोरी. इन दिस स्टोरी देयर आर मेनली थ्री करेक्टर्स. वन इज चमकी द स्क्विरल. एक स्क्विरल है जिसका नेम है चमकी. इसमें एक क्रो है और एक क्रो की ओल्ड मदर है. सो देयर आर थ्री करेक्टर्स इन दिस स्टोरी. लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. चमकी द स्क्विरल. स्क्विरल का नेम क्या है? चमकी. शी वॉज रनिंग ऑन अ ह्यूज ट्री ट्रंक. नाउ ट्री ट्रंक क्या होता है? ये जो ट्री होता है, इसकी जो सबसे मेन मोटी सी बॉडी होती है, इसको हम कहते हैं ट्री ट्रंक. ह्यूज, बहुत बड़ा. दिस इज़ बिग ट्री. तो इस ह्यूज ट्री ट्रंक पे चमकी वॉज रनिंग. इट वॉज सो मच फन. तो चमकी के लिए तो ये बहुत फन की बात थी, मज़े की बात थी. शी वॉज एन्जॉइंग. शी स्टार्टेड. चमकी ने स्टार्ट किया क्लाइंबिंग, चढ़ना, हायर, ऊपर, एंड हायर, और ऊपर, टिल जब तक कि शी केम अक्रॉस अ क्रोज नेस्ट. जब तक कि केम अक्रॉस मतलब वो पहुंच गई अ क्रोज नेस्ट, एक क्रो के नेस्ट के पास. एंड व्हाट डिड शी सी देयर एंड व्हाट डिड शी से देयर? शी सेड ओ हो हो, मिस्टर क्रो has stored. मिस्टर क्रो ने स्टोर करके रखा हुआ है. क्या स्टोर करके रखा है? अ मैंगो, एक मैंगो फॉर द रेनी डे, कि जब बारिश होगी, जब मिस्टर क्रो बाहर नहीं जा पाएंगे खाना खाने के लिए, खाना सर्च करने के लिए, तो उन्होंने उस डे के लिए एक मैंगो स्टोर करके रखा हुआ है. शी वॉज टॉकिंग टू हर सेल्फ. वो अपने आप से बातें कर रही है. लेट मी टेस्ट इट, मुझे इसे टेस्ट करने दो. यम यम, यमी, सेड चमकी. और चमकी को वो कैसा लगा? यमी लगा. शी फर्स्ट टुक अ बाइट. पहले उसने एक छोटी सी बाइट ली, देन अनदर, फिर एक और बाइट ली. एंड स्लोली, धीरे धीरे, शी एट, उसने खा लिया द होल मैंगो, पूरे का पूरा मैंगो खा गई वो. शी वॉज टायर्ड ऑफ रनिंग, और वो भाग भाग कर थक गई थी. नाउ शी जस्ट वॉन्टेड टू डोज ऑफ. नाउ स्टूडेंट सी, शी वॉज टायर्ड ऑफ रनिंग, भाग के वो थक गई थी, और अब उसने मैंगो खा लिया, उसका स्टमक भी फुल हो गया. सो शी जस्ट वॉन्टेड टू डॉज ऑफ. डॉज ऑफ होता है थोड़ी देर रेस्ट करना, सो जाना. तो वो थोड़ी देर सोना चाहती थी, एंड ये उसकी स्नोरिंग की साउंड है. शी स्नोर्ड सो लाउडली. स्नोर होता है खर्राटे मारना. जब सो जाते हैं तो नोज में से जो साउंड आती है उसे स्नोरिंग कहते हैं. तो शी स्नोर्ड, वो खर्राटे लेने लगी सो लाउडली, इतनी जोर से, दैट कि शी डिड नॉट इवन कम टू नो. कम टू नो मीन्स पता चलना. उसको पता भी नहीं चला अबाउट द क्रोज अराइवल, कि क्रो कब वहाँ पर अराइवल पहुँच गया. ये क्रो की साउंड है, काव काव. हु हैज़ ईटन माई मैंगो. मेरा मैंगो किसने खाया? आई ब्रॉट इट, मैं इसको लेकर आया था. Whom does here I refer to? Here I refer to crow. Crow ने कहा, I brought it, मैं इसे लाया था, for my old mother, अपनी बूढ़ी माँ के लिए. Shouted the crow. Crow ने चिल्ला कर कहा. चमकी almost toppled. Toppled होता है लुढ़क जाना, गिर जाना. चमकी लगभग गिर गई from the branch, जिस वो branch पे लेटी हुई थी. As she got up, क्योंकि वो उठी थी with a jolt. Jolt होता है झटके से. जब उसने crow की shouting सुनी तो वो जोर से झटके से उठी, तो almost वो toppled, लगभग गिर ही गई थी.
शी वॉज टू स्केयर्ड, वो डर गई थी, टू स्केयर्ड बहुत ज़्यादा डर गई थी ऑफ द ह्यूज क्रॉ, उस बड़े से क्रॉ से. व्हेन शी लुक्ड एट, जब उसने देखा हिज ओल्ड मदर, उसकी ओल्ड मदर को, हर आईज वर फुल ऑफ टीयर्स. तो ये हर आईज रेफर टू चमकीज आईज, चमकी की आंखों में आंसू आ गए, फुल ऑफ टीयर्स. क्यों आंसू आ गए? ओ दैट सॉफ्ट एंड स्वीट मैंगो, कि वो जो सॉफ्ट स्वीट मैंगो था दैट वॉज फॉर हिज ओल्ड मदर, ये तो ओल्ड मदर के लिए था. शी विस्पर्ड टू हरसेल्फ, उसने अपने आप से विस्पर किया, मीन्स विस्पर होता है बहुत धीमी आवाज़ में बात करना. उसने खुद से धीमी आवाज़ में कहा कि ये तो मिस्टेक हो गई, सॉफ्ट और स्वीट मैंगो तो ओल्ड मदर के लिए था. द क्रो लुक्ड फ्यूरियस, क्रो बहुत गुस्से में, फ्यूरियस वेरी एंग्री लुक्ड दिखाई दे रहा था. ही आस्क्ड चमकी, उसने चमकी से पूछा, डिड यू स्टील द मैंगो, तुमने मैंगो चुराया है. स्टील मीन्स चुराना. चमकी लाइट, एक बार तो चमकी डर गई थी ना, तो उसने झूठ बोला. उसने कहा, नो मिस्टर क्रो, नहीं, आई डिड नॉट स्टील, मैंने नहीं चुराया द सॉफ्ट एंड डिलीशियस मैंगो, तुम्हारा सॉफ्ट डिलीशियस टेस्टी मैंगो. क्रो शाउटेड, क्रो फिर से चिल्लाया, देन हाउ डू यू नो, फिर तुम्हें कैसे पता दैट कि द मैंगो वॉज सॉफ्ट एंड डिलीशियस, कि मैंगो बहुत सॉफ्ट एंड डिलीशियस था. सी इन द इमेज, चमकी इज सिटिंग ऑन द ब्रांच, क्रो इज लुकिंग वेरी फ्यूरियस एंड शी इज़ हिज मदर. एंड क्रो कितने गुस्से में बात कर रहा है चमकी से. चमकी वॉज अशेम्ड, अब चमकी को शर्म आने लगी. एंड शी बेग्ड, और वो बेग करने लगी, मीन्स प्रार्थना करने लगी, उसे रिक्वेस्ट करने लगी, ऑनेस्टली मिस्टर क्रो, आई डिडंट मीन टू स्टील इट मिस्टर क्रो, ऑनेस्टली ईमानदारी से, आई डिड नॉट मीन टू स्टील इट, मैं चुराना नहीं चाहती थी. आई जस्ट कुड नॉट स्टॉप माई सेल्फ, आई जस्ट कुड नॉट स्टॉप माई सेल्फ, मीन्स मैं खुद को रोक नहीं सकी. इट वॉज सो डिलीशियस, ये बहुत टेस्टी था. द क्रो वॉज अबाउट टू पैक हर, पैक होता है अपनी हार्ड बीक से बहुत ज़ोर से किसी को चोट पहुँचाना. क्रो उसे पैक करने वाला था, कैसे, अपनी हार्ड बीक से, टू हर्ट हर, उसको चोट पहुँचाना चाहता था. इन फ्यूरी, फ्यूरी मीन्स गुस्से में. When his old mother stopped him, उसकी old mother ने क्रो को क्या किया, stop कर दिया, saying, ये कहते हुए, stop my son, कि रुक जाओ, don't fight for a mango, एक mango के लिए fight, लड़ाई मत करो, I'm not hungry, मैं बिल्कुल भी भूखी नहीं हूँ, and actually, और actually means in reality, bananas are my favorite, मुझे bananas बहुत favorite, मतलब मेरे favorite हैं, मुझे पसंद हैं. I don't want you, मैं नहीं चाहती you, तुम, to hurt this honest squirrel, कि तुम इस ईमानदार squirrel को hurt करो, चोट पहुँचाओ, ये मैं नहीं चाहती. She could have lied, she here refers to chumki, and who is speaking this line? Crow's mother is speaking this line. Crow's mother said, she could have lied, वो झूठ भी तो बोल सकती थी ना, turned around, मुड़ सकती थी, and fled, और भाग सकती थी, but लेकिन she told the truth, उसने तुम्हें सच बताया है. The crow stepped back, crow ने अपने कदम पीछे कर लिए, and realized, और उसने महसूस किया, the truth in his mother's wise word, wise होते हैं इंटेलिजेंट वर्ड्स, उसने अपनी मदर के इंटेलिजेंट शब्दों में सच्चाई को महसूस किया. ही टर्न्ड टूवर्ड्स चमकी, वो चमकी की तरफ मुड़ा, देन सेड, और कहा, आई फॉरगिव यू, मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ. फॉरगिव मीन्स माफ़ करना. चमकी बोर्ड हर हेड, बोर्ड होता है सिर झुकाना, चमकी ने अपना सिर झुकाया, टू बोथ मदर एंड हर सन, मदर के लिए और सन के लिए, क्रॉ के लिए. Then she went away, और वो वहाँ से चली गई. But she made it a point, लेकिन उसने decide कर लिया था. Made it a point होता है जब हम अपने mind में कुछ decide कर लेते हैं और फिर हम उसे करते हैं. But उसने decide कर लिया था to fetch, fetch होता है जाकर लेकर आना. To fetch a ripe banana, कि वो एक ripe पका हुआ banana, केला लेकर आएगी, for mother crow to eat, mother crow के लिए खाने के लिए. चमकी की ऑनेस्टी, चमकीज ऑनेस्टी मीन्स चमकी की ईमानदारी ने टच कर दिया
क्रोज हार्ट, क्रो के हार्ट को, मतलब कि कौवे के दिल को उसकी ईमानदारी बहुत अच्छी लगी एंड बोथ बिकेम गुड फ्रेंड्स, और वो दोनों गुड फ्रेंड्स बन गए। एक वर्ड हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, फेच। फेच मीन्स होता है लेकर आना, ब्रिंग मीन्स भी होता है लेकर आना, बट देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स, ब्रिंग एंड फेच। तो ये आज हम डिस्कस करेंगे सो दैट आपको ये लाइफ लॉन्ग याद रहेगा। ब्रिंग होता है, फॉर एग्जाम्पल आप यू आर स्टैंडिंग इन द किचन ऑलरेडी, तो अगर मैं आपसे कहती हूँ कि वाटर लेकर आओ मेरे लिए, तो आई विल से ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, राइट, बिकॉज यू आर ऑलरेडी स्टैंडिंग इन द किचन विद द वाटर, तो हम उसे ब्रिंग यूज़ करेंगे। सपोज यू आर सिटिंग विद मी इन द ड्राॅइंग रूम, और फिर मैं कहती हूँ कि पानी लेकर आओ मेरे लिए, तो मैं कहूँगी कि फेच अ ग्लास ऑफ वाटर, बिकॉज फेच का मतलब होता है टू वेज, आप जाएंगे फिर आप लेकर आएंगे, तो उसे हम फेच कहते हैं। बट इफ़ यू आर ऑलरेडी स्टैंडिंग इन द किचन, तो उसे हम ब्रिंग कह सकते हैं। तो यहाँ पे फेच क्यों वर्ड यूज़ किया राइटर ने, क्योंकि स्क्विरल को यहाँ से जाना था, जाके फिर वापस आना था, दैट इज़ कॉल्ड फेच। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन फेच एंड ब्रिंग। सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ द ऑनेस्टी। तो आई होप यू ऑल विल बी ऑनेस्ट नाउ ऑनवर्ड्स, इफ यू कमिट एनी मिस्टेक यू शुड एक्सेप्ट दैट मिस्टेक, यू शुड बी ब्रेव इनफ टू एक्सेप्ट द मिस्टेक्स। तो आपके जो पेरेंट्स हैं और जो टीचर्स हैं, अगर आप ऑनेस्ट रहेंगे तो आपके टीचर्स और पेरेंट्स भी आपको ईजिली फॉरगिव कर देंगे, राइट। सो स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट टॉपिक। हैव अ गुड डे।